हेलो गाइस, सो मैं फिर से आप सभी के लिए जो है आईपीएल 2024 से जुड़े जो है बहुत सारी अपडेट ला चुका हूं। दोस्तों आईपीएल की कुछ ऐसी न्यूज लाया हूं आप सभी के लिए जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाइएगा। सो बिना कोई देरी किए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होगा क्योंकि आज मैं आप सभी के लिए ऐसा न्यूज लाया जो आपको चौंका देगा अगर आप आईपीएल 2024 के बहुत बड़े फैन हैं। सो दोस्तों पहला न्यूज ये आ रहा, दोस्तों पहला न्यूज है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। सो दोस्तों एमएस धोनी जो है एक ऐसा न्यूज आया दोस्तों जिससे आप एमएस धोनी के अगर बहुत बड़े फैन हैं और आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी और भी साल खेले तो ये न्यूज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दोस्तों आपको बता दें कि दीपक चाहर ने ऐसा कहा अपने इंटरव्यू में कि महेंद्र सिंह धोनी जो वो चोट से पूरी तरीके से सही हो चुके हैं, यानी 2023 में जब वो पूरी तरीके से चोट से जो मतलब घुटने में उनको जो चोट लगा था और जिससे घुटने की चोट के बेस पर जो है कुछ मैचों में हिस्सा लेते थे कुछ मैचों में हिस्सा नहीं लेते थे, पर दोस्तों अब पूरी तरीके से वो ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि वो आईपीएल 2024 खेलने के साथ साथ लगभग 2 या 3 आईपीएल का और सीजन वो खेलेंगे, यानी कि अभी जो है वो आईपीएल 2024 से संन्यास नहीं लेंगे, यानी कि वो अभी आईपीएल से संन्यास नहीं लेंगे। आप समझ सकते हो दोस्तों कि लगभग कि 2 या 3 साल तक जो है वो और आईपीएल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है सीएसके खेमेंस, और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है। फिर दोस्तों आप जान रहे दोस्तों कि आईपीएल 2023 को विनर बनाने वाली आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार जो है आईपीएल कप की ट्रॉफी जितवाने वाले सीएसके के वो कैप्टन है दोस्तों। और जानिए दोस्तों कि जहाँ भी मुकाबला होता था, यानी पूरे इंडिया में कहीं भी मुकाबला होता, चाहे वो कोलकाता हो चाहे वो मुंबई हो चाहे वो कोई सा भी मैदान हो, हर एक मैदान में दोस्तों अगर महेंद्र सिंह धोनी खेलते तो हर जगह जो है बस माही माही का नारा रहता था और एवरी ईयर बिसलपोर की आवाज़ आती थी। तो और फिर से जो है आपको जो है महेंद्र सिंह धोनी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप जानो दोस्तों कि उसने जो इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है 2020 में ही संन्यास ले लिया था, बट दोस्तों आईपीएल 2024 जो है वो उनका फेवरेट खेल है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि उनकी जो है बल्लेबाजी की प्रैक्टिस जो है अभी से जो है महेंद्र सिंह तैयारी में लग चुके हैं आईपीएल 2024 से। मात्र 1 या 2 महीने बचे दोस्तों आईपीएल शुरू होने में, तो वाकई में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के लिए या फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी। सो ये तो बात होगी पहले न्यूज़ की। अगर जहाँ तक दूसरे न्यूज़ की बात की है दोस्तों, तो दूसरा न्यूज़ आ रहा है सनराइज़ हैदराबाद की तरफ से। और आपको बता दें दोस्तों कि एडम मरक्रम जो कि पुराने कैप्टन है किसके, हैदराबाद के, और मतलब करंट कैप्टन है, तो उनको जो है कैप्टनसी से हटाया जा सकता है और उनकी जगह पे दोस्तों ज़्यादा चांस है कि मयंक अग्रवाल को कैप्टनसी दी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों मयंक अग्रवाल जो रणजी ट्रॉफी में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसने दोस्तों गोवा और क्या बोलते हैं गुजरात और त्रिपुरा जैसे टीमों के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको बता दें गुजरात और गोवा के खिलाफ इन्होंने जो है सेंचुरी भरी पारी खेली, प्लस दोस्तों त्रिपुरा के खिलाफ दोस्तों इसने जो है 50 रन की पारी खेली, यानी इसी पारी को देखते हुए दोस्तों हैदराबाद के जो चेयरमैन ने यह डिसाइड किया कि शायद जो है वो आईपीएल 2024 के लिए जो है मयंक अग्रवाल को कैप्टन बना दे। और आपको पता दोस्तों मयंक अग्रवाल काफ़ी समय से इनफॉर्म नहीं चला आईपीएल में, और बट दोस्तों रणजी ट्रॉफी जिस तरीके से उसकी फॉर्म चल रही, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि इस बार का आईपीएल 2024 उनका सबसे बेस्ट जाए। आपको पता दोस्तों कि इस बार हैदराबाद ने सबसे महंगे खिलाड़ी, यानी दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस को अपनी टीम में भी शामिल किया है। सो ऐसा भी हो सकता है चांस कि शायद पैट कमिंस को कैप्टनसी दे दी जाए। बट दोस्तों जैसा न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि शायद जो है मयंक अग्रवाल को ही कैप्टनसी दी जा सकती है। तो ये दूसरी न्यूज़ है दोस्तों। तीसरी न्यूज़ की बात की जाए, तीसरा न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि युवराज सिंह को जो है पंजाब किंग्स जो है अपना हेड कोच बना सकती है। जैसा कि आप जान रहे हो दोस्तों कि पंजाब किंग्स जो है अभी तक जो है आईपीएल कप में एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया है, और जिस कारण दोस्तों हो सकता है शायद युवराज सिंह को जो है अगर वो क्या बोलते हैं कोच बना दे जिनके पास एक्सपीरियंस का भरमार है T20 के, वो वासा कहे जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि T20 के इंटरनेशनल में दोस्तों 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाले जो युवराज सिंह ही मात्र एक गेंदबाज है, तो जाहिर सी बात दोस्तों ऐसा हो सकता है कि शायद प्रीति जिंटा जो है उनको ऑफर कर सकती है, बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है दोस्तों। और ऐसा न्यूज़ आई भी है दोस्तों कि प्रीति जिंटा ने उनको जो है हेड कोच के पद संभालने के लिए दोस्तों 10 करोड़ की जो है डील सौंपी है। तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर जो युवराज सिंह इस चीज़ को मान लेते तो जाहिर सी बात दोस्तों कि आईपीएल 2024 में आपको हेड कोच ग्रुप में युवराज सिंह दिखाई दे सकते हैं पंजाब किंग्स की तरफ से। और हो सकता है शायद पंजाब किंग्स की वो किस्मत भी बदल दे, क्योंकि दोस्तों कैप्टनसी भी आप पंजाब किंग्स की कौन कर रहे हैं, शिखर धवन। तो जाहिर सी बात है कि जब शिखर धवन कैप्टनसी करेंगे प्लस दोस्तों हेड कोच युवराज सिंह ने, तो जाहिर सी बात है कि टीम का जो मनोबल काफ़ी दम बढ़ जाएगा और टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी दोस्तों। आपको पता दोस्तों कि आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके युवराज सिंह, लगभग 126
132 मैचों में 126 इनिंग खेलकर 129 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों उन्होंने जो है 2750 रन बनाए और 8 हाफ सेंचुरी लगाया आईपीएल में। तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर पंजाब किंग्स के जो है युवराज सिंह जो हेड कोच बनते तो जाहिर सी बात पंजाब किंग्स के साथ वो किस्मत भी बदल दे। और दोस्तों अगली न्यूज़ जो आ रही है वो न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि शायद रविंद्र जडेजा और केएल राहुल जो है वो टेस्ट से बाहर हो चुके, दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके। जाहिर सी बात है कि अगर वो इंजरी से नहीं ठीक हो पाता तो जाहिर सी बात है दोस्तों आईपीएल 2024 से भी शायद रविंद्र जडेजा बाहर हो जाए। कोई गारंटी वाली बात नहीं, बस छोटी मोटी इंजरी है, जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात नहीं। तो वो आईपीएल 2024 आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जडेजा और राहुल दोनों, ठीक है। सो नॉर्मल आईपीएल 2024 से अभी तक की यही अपडेट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।